हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक भी रिकमेंड करते रहते हैं। जैसे आपको पता है, स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होती है, इसलिए आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहिए और उनमें ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं वो ही लॉन्ग रन में जाके आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहती है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इसलिए आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सिप के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें, तो ही आपको बढ़िया रिटर्न जो है वो मिल सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइटन कंपनी के स्टॉक के बारे में, इसके डिटेल फंडामेंटल आपको बताएंगे और इसके टेक्निकल्स भी चेक करेंगे। आज के दिन पहले हमने दो फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए हुए हैं, यदि आप उनको सुनना चाहते हो तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके सुन सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के सारे फंडामेंटल डिटेल्स एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसके जो लेटेस्ट टारगेट निकल कर आ रहे हैं उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो मोतीलाल ओसवाल है वो इस कंपनी पे बहुत ही ब्यूलिश दिख रहे हैं, इसके नए टारगेट भी सुजेस्ट कर रहे हैं और इसके जो नए टारगेट हैं दे आर एट ₹2040 एंड द टाइम पीरियड गिवन बाय द एनालिस्ट इज़ 1 ईयर। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट 1 साल के लिए इस स्टॉक में बहुत ही बड़े टारगेट निकल कर आ रहे हैं। अब सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे। दिस कंपनी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1984 एंड इट इज़ ए लार्ज कैप कंपनी विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹1,56,498 करोड़ एंड इट इज़ ऑपरेटिंग इन द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। ये जो कंपनी है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है और इसके बहुत ही बड़े बड़े स्टोर हैं, बहुत ही बड़ा बिजनेस है। अब हम इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स स्टडी करेंगे। फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन द 31 मार्च 2021 द कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ द कंपनी हैज़ बिन रिपोर्टेड एज 7,551 करोड़ एंड इन द लास्ट क्वार्टर द इनकम ऑफ द कंपनी वाज 7,659 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी की जो इनकम है वो 1.41% के हिसाब से रिड्यूस हो रही है, लेकिन इफ़ वी कंपेयर द इनकम विद द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इनकम ऑफ ₹4,753 करोड़ देन द इनकम हैज़ बिन इंक्रीज बाय नियरली 58.86%। बहुत ही बड़ी इंक्रीज देखने को मिल रही है। द कंपनी हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 568 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव जो है मुनाफा भी इस कंपनी में निकल कर आ रहा है। एंड इन्वेस्टमेंट रैशनल देखें तो वैल्यूएशन ऑफ 59x फाइनेंशियल ईयर 23 EPS आर नॉट इन एक्सपेंसिव, द लॉन्ग रन वे ऑफ द प्रॉफिटेबल ग्रोथ डिजर्व्स ए प्रीमियम मल्टीपल्स। तो आप देख सकते हो इस कंपनी की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी देखी जा रही है, फ्यूचर में इस कंपनी की बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखी जा रही है, इसलिए इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है दे आर क्वाइट अट्रैक्टिव एट द करंट प्राइस। तो अब हम इसकी प्राइस का एनालिसिस करेंगे। पहले एक दिन की प्राइस देख लेते हैं। तो एक दिन में इसमें बहुत ही बड़ी करेक्शन देखी गई है, 2.04% की करेक्शन देखी गई है। यदि हम इसका 5 डे का डाटा देखें तो उसमें भी आपको करेक्शन देखने को मिल रही है, नियरली 0.76% के राउंड करेक्शन देखने को मिल रही है। यदि हम इसका सपोर्ट लेवल ढूंढें तो जो लोअर सपोर्ट लेवल है वो 720 पे निकल कर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट इस पर निकल कर आ रही है। तो यदि हम इसका 1 मंथ का डाटा देखें तो इस पर भी आपको पॉजिटिव रिटर्न निकल कर आ रहे हैं, नियरली 0.84% रिटर्न निकल कर आ रहे हैं। तो लोअर सपोर्ट लेवल ढूंढें तो इसकी जो लोअर सपोर्ट लेवल है वो 1710 पे निकल कर आ रही है। तो आगे बढ़ेंगे, इसका 6 मंथ का डाटा चेक करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, 11.51% के रिटर्न्स मिल रहे हैं इन द लास्ट 6 मंथ। तो यदि हम इसका लोअर सपोर्ट लेवल ढूंढें तो वो 1400 के राउंड निकल कर आ रहा है, 1400 के राउंड इसने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया है, 2-3 बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, इसने बी शेप रिकवरी की हुई है फ्रॉम द सेम लेवल्स। अब इसमें बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड दिख रहा है और आने वाले टाइम में भी ये जो ब्यूलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। अब हम इसकी 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही लीनियर एंड अप ट्रेंड पैटर्न निकल कर आ रहा है। लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक में 74.22% की रिटर्न्स निकल कर आ रही हैं। 5 ईयर का डाटा देखें तो 330% के मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस है और चार्ट भी बहुत ही लीनियर अप ट्रेंड शो हो रहा है। यदि हम मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो 40,340% के रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं, बहुत ही लीनियर एंड अप ट्रेंड इसमें निकल कर आ रहा है। अब हम इस कंपनी के थोड़े और फंडामेंटल जानेंगे, इसका प्राइस का एनालिसिस करेंगे और इस कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर भी जानेंगे कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस है वो दे रही है।
सबसे पहले इसके स्टॉक की रेंज परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो इट इज़ ए मिड रेंज परफॉर्मर एंड इट इज़ ए स्टॉक विद मीडियम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद एवरेज प्राइस मोमेंटम एंड वैल्यूएशन, बट दीज स्टॉक्स मे बी अफोर्डेबल एंड शोइंग द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। तो इन स्टॉक पे इन्वेस्टर अपना बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहे हैं। सो इट इज़ ए मीडियम रेंज, इट इज़ शोइंग मीडियम रेंज मोमेंटम एंड इट इज़ आल्सो ट्रेडिंग 4.5% अवे फ्रॉम द 52 वीक हाई एंड इट इज़ आल्सो आउट परफॉर्मर। इट हैज़ गिवन 2.5% रिटर्न अगेंस्ट द निफ्टी 50 रिटर्न ऑफ 0.81% इन द लास्ट 1 month। एफ एंड ओ डाटा सुजेस्ट द शॉर्ट बिल्डअप टूडे एंड स्टॉक सॉ द 22 नंबर ऑफ द लास्ट डील्स टूडे। तो बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ इसमें निकल कर आ रही हैं। अब हम इस कंपनी के प्राइस की परफॉर्मेंस और वॉल्यूम का डाटा चेक करेंगे। पहले हम इसकी प्राइस की परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1 वीक से लेके 3 ईयर का डाटा अवेलेबल है। 1 वीक में आप देख सकते हो नियरली फ्लैट रिटर्न्स है। 1 month में इसमें 2.50% के रिटर्न्स है। 3 month में 14.08% के रिटर्न्स है और जियर टिल डेट में 10% के रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। 1 year में 69.96% के रिटर्न्स है। 3 year में 108% के रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। यदि हम इसको एनालाइज करें तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो वैसे वैसे आपके रिटर्न्स भी बढ़ते जाएंगे। ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया जो है रिटर्न्स देता है। अब हम इसका वॉल्यूम का एनालिसिस कर लेते हैं। पहले कल का डाटा देख लेते हैं। तो क्वांटिटी ट्रेडर वाज 10 लाख एंड द डिलीवरी इज़ 4 लाख। तो नियरली 38.46% की डिलीवरी इस स्टॉक में कल के दिन उठाई गई है। 1 वीक का एवरेज डाटा देखें तो 36% की डिलीवरी निकल कर आ रही है। 1 month एवरेज देखें तो 40% के अराउंड डिलीवरी निकल कर आ रही है। बहुत ही पॉजिटिव डाटा निकल कर आ रहा है। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत ही अच्छी एक्युमुलेशन भी हो रही है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर जानेंगे कि फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे। पहले इसके फाइनेंशियल पैरामीटर जान लेते हैं। पहले क्वार्टरली डाटा चेक कर लेते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू किस तरह चेंज हुआ है। आप देख सकते हो मार्च 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू वाज 4711 करोड़। जून में इसमें बहुत ही बड़ा स्लंप देखने को मिला और इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो रिड्यूस होकर 1979 करोड़ हो गया था। दिस वाज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द कोविड पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन। बट दोस्तों सितंबर में बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई और इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया 4553 करोड़ हो गया और दिसंबर में फिर बढ़ गया और 7619 करोड़ हो गया। मार्च में मार्जिनली इसमें रिडक्शन भी देखने को मिली है मार्च 2020 में और इस कंपनी का रेवेन्यू जो है 7494 करोड़ हो गया। लेकिन यदि हम इसका ओवरऑल कंपैरिजन करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो जून क्वार्टर के बाद बहुत ही अच्छा रिकवर हो रहा है और इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि हम नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो यहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज 343 करोड़ एंड मार्च 2021 में ये बढ़ के 558 करोड़ हो गया है, जहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम इसका एनुअल डाटा चेक करेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये किस तरह की ग्रोथ शो हो रही है। तो 2017 में इस कंपनी का रेवेन्यू 13,260 करोड़ था और आप देख सकते हो 18 में ये बढ़ के 16,119 करोड़ हो गया। 19 में फिर बढ़ गया 19,778 करोड़ हो गया। 20 में फिर बढ़ गया 21,051 करोड़ हो गया। 21 में ये 21,644 करोड़ हो गया, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही लीनियर ग्रोथ इसके रेवेन्यू में निकल कर आ रही है। ऐसा इसलिए इस कंपनी का बिजनेस भी एक्सपेंड हो रहा है और इस कंपनी का जो इनकम है एंड रेवेन्यू है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव डाटा है। यदि हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो वो भी बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन शो कर रहा है। 2017 में इसका जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज 619 करोड़ और 18 में ये बढ़ गया है, 19 में फिर बढ़ गया था। 2020 में ये बढ़ के 1496 करोड़ हो गया है। 2021 में यहाँ पे स्लंप भी देखने को मिला है और ये 979 करोड़ रह गया है। दिस इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द कोविड पेंडेमिक। बट जैसे जैसे हमारे देश में कोविड का इफेक्ट कम होगा तो इस कंपनी के बिजनेस में भी रिकवरी देखी जाएगी और ग्रोथ देखी जाएगी और इस कंपनी का जो स्टॉक है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस शो करेगा। अब हम इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग का डाटा वो चेक कर लेते हैं। तो प्रमोटर जो है दे आर होल्डिंग 52.9% ऑफ होल्डिंग। FIIs आर होल्डिंग 18.1% ऑफ होल्डिंग एंड DIIs आर होल्डिंग 11.48% ऑफ होल्डिंग। पब्लिक इज होल्डिंग 17.53% ऑफ होल्डिंग। बहुत ही मिक्स डाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि हम इसका शेयर होल्डिंग का ट्रेंड देखें, सबसे पहले प्रमोटर का ट्रेंड देख लेते हैं, तो वो कांस्टेंट निकल कर आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्च 2020 टू मार्च 2021। तो आगे हम अब FIIs का डाटा देखेंगे कि किस तरह वेरिएशन हो रही है। यहाँ पे हमें
अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मार्च 2020 में जो FIIs थे देवर होल्डिंग 17.74% ऑफ होल्डिंग, और मार्च 2021 में ये 18.1% हो गया है। यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि हम DIIs का डाटा देखें तो यहाँ पे भी हमें स्लाइड इंक्रीज देखने को मिल रही है, 11.1% से बढ़ के 11.48% हो गया है। यदि हम पब्लिक का डाटा देखें तो यहाँ पे हमें जो है स्लंप देखने को मिल रहा है। मार्च 2021 में पब्लिक वाज होल्डिंग 18.26% ऑफ होल्डिंग एंड मार्च 2021 में 17.53% होल्डिंग जो है वो निकल कर आ रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इन द एंड हम आपको यही कहना चाहते हैं, जो टाइटन ग्रुप कंपनी है ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। यदि हम इसकी प्राइस की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव प्राइस की जो है मोमेंटम निकल कर आ रहा है, और इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हुए हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स आर आल्सो क्वाइट ब्यूलिश। जैसे जैसे हमारे देश में इकोनॉमिक रिकवरी आएगी, इस कंपनी के जो रिटेल स्टोर हैं उनका बिजनेस भी एक्सपेंड होगा, और इस कंपनी का जो है ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की जो इनकम है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो इसलिए इस ये स्टॉक जो स्टॉक है ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है। आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाई करते रहें, एड ऑन डिप्स करें, तो आपको जो है आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड में हम तो आपको थैंक्स कहते हैं दोस्तों, आपने हमारे को टाइम दिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़िएगा। हम आपको बहुत ही जेन्युइन आइडियाज़ बताते हैं, आप हम आपको डिटेल एनालिसिस करके फिर ही रिकमेंडेशन देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करें, वहाँ पे भी हम आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो देते रहते हैं। और दोस्तों आप हमें कोई भी कमेंट करके अपना जो है इंक्वायरी पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। एंड में दोस्तों वी वांट टू थैंक्स यू अगेन, एंड वी विल मीट यू विद न्यू वीडियो एंड न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया।